आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच के बारे में जो खेला जाएगा मुलनपुर पंजाब में। ये मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा गाइज। अगर हम बात करें तो ये 6th vs 5th के बीच में मैच होगा गाइज। सनराइजर हैदराबाद जो है वह बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है गाइज, नो डाउट। दोनों साइड्स अपने 4 में से 2 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबले हारी है। सनराइजर हैदराबाद ने चैंपियन CSK को 6 विकेट से पिछले बार हराया था। पंजाब किंग्स अपने ओपनर और लास्ट गेम में दोनों में जीती है, यानी पहला मैच भी जीती थी और लास्ट मैच तो बहुत थ्रिल मैच था जिसमें शशांक सिंह ने उन्हें जिताया था और आशुतोष शर्मा ने उन्हें जिताया था, जिन दोनों की बायोग्राफी हमारे चैनल पे जल्दी आने वाली है गाइज। तो अब कौन जीतेगा ये मैच, क्या ये रन टारगेट जो बनेगा ये चेज होगा, ये डिफेंड होगा, टॉस का क्या रोल रहेगा, क्या स्पिनर्स इस विकेट पे चलेंगे कि पेसर ज्यादा अच्छे विकेट लेंगे, ओपनिंग ऑर्डर बैट्समैन को लेना है कि मिडिल ऑर्डर को, कौन से बॉलर्स को लेना है अपनी फैंटेसी टीम में और ये मैच कैसे इंटरेस्टिंग होगा, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट और अबाउट सेक्शन में, क्योंकि गाइस पिछले साल का वर्ल्ड कप हो या IPL या इस साल का PSL हो या WPL हो या अभी जो IPL चल रहा है, 95% करेक्ट प्रिडिक्शन रिपोर्ट हम लोग अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहे हैं और हर मैच का डिटेल एनालिसिस का वीडियो आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिल रहा है। साथ में IPL से छोटी बड़ी खबर हम अपने YouTube चैनल एज वेल एज अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए गाइस इस मैच की बात करते हैं कि ये मैच कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम देखें तो ऑल्दो यहां पे लो स्कोरिंग ज्यादा आपको मुकाबले देखने को मिलेंगे, मगर इस साल यहां पे अच्छे खासे रन बन रहे हैं और दोनों साइड्स प्लेंटी ऑफ रन्स बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हिटिंग हो रही है। इस ग्राउंड पे भी जो लास्ट मैच अगर आप देखेंगे तो हाई टोटल मैच बनाता अभी तक की IPL हिस्ट्री का। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बार बहुत पहली बार IPL में ऐसा हो रहा है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं गाइस, क्योंकि IPL में हमेशा लो स्कोरिंग मैचेस होते थे और डिफेंड होते थे, मगर इस बार चेज भी हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच भी हो रहे हैं। अगर हम देखें पंजाब से शशांक सिंह जो है लास्ट मैच में अपने दम पे उस बंदे ने मैच जिताया था, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था, वो बात अलग है। पंजाब को गलती से वो प्लेयर मिला बट उसने अपने आप को साबित किया। अगर हम देखें गाइस हेनरिक क्लार्सन, ट्रेविड हर्ट, सनराइजर हैदराबाद के अच्छे बड़े स्कोर बनाते हैं मगर पिछले मैच में इतना खास चल नहीं पाए। और वहीं अगर हम स्टैट्स की बात करें गाइस, पलड़ा भारी गाइस यहां पे आपको सनराइजर हैदराबाद का 6 मैचेस सनराइज जीती, 4 मैचेस PBKS जीती यानी पंजाब जीती है। अगर हम लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो 40% पंजाब जीती है और 30% SRH जीती है। और गाइज ये जो ग्राउंड है गाइज यहाँ पे अगर हम वेदर की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहने वाला है और यहाँ पे विन बैट करने वाली जो टीम होती है वो ज्यादातर मैचेस जीतती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पे गाइज फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 174 बनता है, सेकंड इनिंग का 175 प्लस स्कोर बनता हुआ दिखता है, हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 177 बना था जो कि गाइज बनाया था अगेन पंजाब ने, लोएस्ट टोटल यहाँ पे 174 था वो DC ने बनाया था, हाईएस्ट चेज यहाँ पे अगेन गाइज पंजाब ने किया था 177 का। पिन और फास्ट बॉलर का देखे तो गाइज यहाँ पेसर्स को मदद मिलती है, तो 73% यहाँ पेसर्स को मदद मिलती है, 27% स्पिन अटैक को मदद यहाँ पे मिलती है। पंजाब अपना पिछला मैच यहाँ पे जीता था 4 विकेटों से गाइज। इस मैच के अंदर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी कि वो यहाँ पे पहले आके बैटिंग करे, क्योंकि यहाँ पे चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफेंड करना आसान होता है। कौन जीत रहा है मैच आप बताइए गाइज, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है मैच कमेंट करके बताइए। चलिए बट हम ये बैक कर रहे हैं कि ये मैच हैदराबाद जीत रही है, बाकी फाइनल रिपोर्ट टेलीग्राम पे मिलेगी, फटाफट जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, IPL का हर छोटा बड़ा अपडेट और फाइनल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। चलिए गाइज अब बात करते हैं कि जो पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो मैच होने वाला है इसमें आप जो लोग फैंटेसी लीग या ड्रीम 11 खेलते हैं उन्हें किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है। तो पंजाब से गए शिखर धवन आपकी टीम में रहेंगे, जॉनी बेस्टो टीम में रहेंगे, प्रभसिमरन सिंह भी टीम में रहेंगे, क्योंकि जॉनी बेस्टो ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। शिखर धवन कंसिस्टेंट है गाइस, 40-50 रन भी बनाते हैं तो ड्रीम 11 में आपको 6 पॉइंट दिला सकते हैं। वहीं अगर ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें गाइस तो सैम करन ने अभी तक उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं किया, पर कल आप ट्रम्प कार्ड साबित होंगे सैम करन गाइस। साथ में शशांक सिंह टीम में रखनी है, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करने, विकेट कीपर से दिनेश शर्मा आपकी टीम में होनी चाहिए, स्पिनर पे हरप्रीत बरार और फास्ट बॉलिंग में गाइस कगिसो रबाड़ा टीम में आपको रखना है, क्या पता हर्षल पटेल को ड्रॉप कर दे, अगर हर्षल पटेल ड्रॉप नहीं होते तो यहाँ पे ड्रम कार्ड वो भी साबित हो सकते हैं गाइस। अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो गाइस ट्रेविस हेड जरूर रखने हैं, अभिषेक शर्मा बहुत शानदार फॉर्म में, हर मैच में बैक टू बैक 50 लगा रहे हैं, एडम मार्करम आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों देंगे तो उन्हें टीम में जरूर रखें। हेनरिक क्लासन ट्रम्प प्लेयर कार्ड प्लेयर साबित होंगे, पिछले मैच में चली नहीं, मगर हेनरिक क्लासन ऐसे प्लेयर है जो अपने दम पे गाइस बदल देते हैं पूरे मैच को, तो अगर सेकंड बैटिंग पे सनराइजर हैदराबाद आती है आपको हेनरिक क्लासन को कैप्टन बना के रखना है क्योंकि वो अच्छा खेलता हुआ दिखेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने गाइस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने रणजी ट्रॉफीज में और बाकी टूर्नामेंट्स में, अच्छा रिकॉर्ड है गाइस, साथ में अच्छे ऑलराउंडर है, तो नीतीश कुमार रेड्डी भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, दो प्लेयर आपको टीम में जरूर रखने हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पैट कमिंग्स आपकी टीम में जरूर होने चाहिए गाइस, मयंक मारकंडे अगर खिलाते हैं तो उन्हें आप टीम में जरूर रख सकते हैं। तो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन हेनरिक क्लासन कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन गाइस शशांक सिंह को बनाइए, बाकी फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, प्लस ड्रीम 11 की टीम कैसे बनेगी उसका भी मैंने आपको सारा बता दिया। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, साथ में टेलीग्राम पे आके कोई भी चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अप टू 4 मेंबर 2 मेंबर की टीम चाहिए, जैकपॉट लीग की टीम चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी गाइस। और स्पोर्ट्स की दुनिया की छोटी बड़ी खबर साथ में IPL की छोटी बड़ी खबर गाइस आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हर हर महादेव।